क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो अभी हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये बात पूरा भारत जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी हमारी भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फिनिशर है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी भारतीय टीम को आज तक नहीं मिला है, क्योंकि जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, भारतीय टीम आज भी एक बेस्ट फिनिशर को ढूंढ रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सलामी बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कई बार अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कहर मचा कर रख दिया है। दोस्तों, जब पेटीएम ओडीआई ट्रॉफी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते 103 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जो एक काफी विशाल टोटल था। दोस्तों, इतने टारगेट का पीछा करते विकेटें काफी जल्दी चली गई थी, जिनके पास जजिंग के रहने 60 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो उनके बाद शिखर धवन 23 रन बनाकर आउट हो गए और विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जहां पहले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, जो कि एक अकेले बल्लेबाज थे। उनकी बल्लेबाजी ऐसी खूबसूरत मानी जा रही थी इस मुकाबले में कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को पीछे कर रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब एक बार रोहित शर्मा क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इसी शॉट के साथ रोहित शर्मा ने अपनी बेहतरीन तरीके से 100 रन पूरे किए। जी हां दोस्तों, 100 रन पूरे किए रोहित शर्मा ने। लेकिन जब रोहित शर्मा अंत में बल्लेबाजी कर रहे थे तो रोहित शर्मा 150 रन की पारी खेल 133 गेंदों पर आउट हो गए। लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी आए क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अभी भी जीत के लिए 65 रन चाहिए थे 44 गेंदों में। ऐसे में विकेट एक तरफ से काफी ज्यादा जा रही थी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी चट्टान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसे देख साउथ अफ्रीका के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जब तक क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी होते हैं सभी गेंदबाजों के पसीने छूटते रहते हैं। दोस्तों, अब 9 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी, क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, मुकाबला आखिरी ओवर में आ गया, जहां 6 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। कगिसो रबाडा ने जैसे ही आखिरी ओवर को डाला, ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने फ्लिक किया, 2 रन लिए। ऐसे में अब कगिसो रबाडा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों प्रेशर में आ गए थे। दोस्तों, उसकी अगली गेंद पर 3 गेंदों पर जब 7 रनों की दरकार थी, महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेला, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर ये गेंद छक्के की हो जाएगी तो ये गेम फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये गेंद सीधा फील्डर के हाथ में चली गई, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में आउट हो गए। जी हां दोस्तों, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए, किसी भी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं किया और साउथ अफ्रीका की टीम 5 रनों से ये मुकाबला जीत गई। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की एक बड़ी गलती भारतीय टीम को ले डूबी। जान के पास रोहित शर्मा ने 150 रनों की पारी खेली थी, वो भी फ्लॉप हो गई, तो महेंद्र सिंह धोनी की 30 रनों की पारी, वो भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों, ये मुकाबला इतना खतरनाक था कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि भारतीय टीम में मुकाबला कैसे 5 रनों से हार गई, क्योंकि एक तरफ से विकेट जा रही थी, प्रेशर बनते जा रहा था भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी भी गलती कर बैठे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को और क्रिकेट खेलना चाहिए था या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। और अगर वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट